बिरला क्लब जंगलोट एथलीट्स क्लब, इनके कोलैबोरेशन से ये डे टूर्नामेंट चल रही थी काफी दिनों से जंगलोट गांव में, तो आज इसका समापन हुआ है। तो कड़ी वही क्रम वही यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम के तहत ये सारे एथलीट्स क्लब वचनबद्ध हैं यूथ को एक दिशा देने के लिए, यूथ को एंगेज रखने के लिए। और इनकी सपोर्ट में हमारे अरुण सिंह जैसे भैया कायम हैं, भानु प्रताप सिंह जैसे भाई कायम हैं, अजय सिंह जैसे भाई कायम हैं, विश्वजीत सिंह जैसा लड़का कायम है, और चाहे वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट छोटू हो, ये कायम है। तो इन चीजों से सीख लेते हुए आज जरूरत है अपने यूथ को एकत्रित करके उसको एक पॉजिटिव साइड में दिशा निर्देश देके उसकी पॉजिटिविटी को चैनलाइज करने की। तो लिहाजा समस्त मीडिया बंधुओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि चाहे वो गणतंत्र दिवस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स क्लब्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज हो, पेट्रियोटिक एक्टिविटीज हो, और चाहे वो कोई लॉ एंड एमरजेंसी हो, आप सब कवर करते हैं। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप लोगों का कि आप इतनी तवज्जो देते हैं स्पोर्ट्स को, एक फोन कॉल पे आप वो सारे इवेंट्स कवर करते हैं। तो उसी के क्रम में आज इस क्रिकेट टूर्नामेंट का जो फाइनल था उसका समापन हुआ, जिसमें फतेहपुर की टीम को हराकर जंगलोट 11 ने जो फाइनल है जो अपने नाम किया है, बहुत ही हर्षोल्लास है इन बच्चों में। कह रहे थे कि पिछले 5-6 साल से लगातार हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं इन मैचेस का, हम फर्स्ट टाइम जीते हैं। तो मैं जंगलोट के एथलीट्स क्लब को बधाई देना चाहूंगा, बहुत बढ़िया। देखिए कितना हर्षोल्लास है, मैं ये भी दावे के साथ कहता हूँ आज ये सोने नहीं देंगे जंगलोट वालों को, और होना भी चाहिए। ये एक उत्साह है गेम्स के प्रति, बहुत अच्छी डायरेक्शन में ये लोग जा रहे हैं। हमारा यूथ एक बहुत ही सकारात्मक सोच की तरफ जा रहा है, और बरवाल एथलीट क्लब का ये दावा है और ये कमिटमेंट है अपने कठुआ से कि हम हर उस इलाके में जाएंगे जिस इलाके में हमको लगेगा कि हमारे यूथ की बैकबोन कमजोर हो रही है। और हम वचनबद्ध हैं, नशे के खिलाफ हैं, एंटी ड्रग्स चलते हैं, चलते हैं, चलते रहेंगे, और जिला इंतजामिया से ये गुजारिश करेंगे कि इस तरह के जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, इस तरह के और भी इवेंट्स पूरे डिस्ट्रिक्ट में करवाए जाएं, ताकि हम लोग अपने यूथ को एक दिशा दे सकें।